दिखाई दे रहा है अपना बर्गर, ये देखो भैया ने बना लिया है, ऊपर से फ्राई कर दिया। सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने यहीं पे ब्लॉग खत्म किया था और ये वाला ब्लॉग भी मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ भैया। देखो अभी शाम का वक्त है जो कि मैंने दिखाया था, तो भैया ये खड़ी अपनी गाड़ी और मेरे को यहाँ से सीधे निकलना घर के लिए। तो चलिए बने रहिएगा इस ब्लॉग पे और देखते भैया कैसी रहती आगे की जर्नी, ठीक है? क्योंकि वो वाला ब्लॉग भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उस ब्लॉग को एंड कर दिया। क्योंकि अगर उस ब्लॉग को चलाता रहता तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, जो कि मैं चाहता नहीं था। आप लोग भी बोर हो जाते ना भाई। व्यू अब इससे देखिए, कैमरे की क्वालिटी भाई बहुत तगड़ी लगती है। नहीं जब सनलाइट ऊपर से पड़ता है यहाँ से, देखो क्या मस्त लग रहा भाई। पेड़ देख लो आप, गाड़ियाँ देखो ऐसा घूम जाए तरीके से निकल ले जाएंगे। तो चलो फिलहाल हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? ये मैंने पहन लिया हेलमेट और ये चालू कर लिया अपनी चाबी खोल लिया, तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। जुगलूपुर मोड़ भैया, थकान बहुत ज़्यादा हो गई, करीब शाम का वक्त है, साला बादल देख रहा होगा, ऐसे हो रहा भैया घने घने काले काले बादल है साले। बस ये कि रास्ते में पानी ना बरसे, चला रहा है भैया बाइक और बाइक से अभी करीबन 100 किलोमीटर ऊपर का सफ़र है। 100 किलोमीटर ऊपर सफ़र भी पानी वानी बरस गया तो भैया अपन हो जाएंगे गीले, ठीक है? हमने कहा चलो बर्गर खा लेते भैया का, कुशवाहा चाट भंडार भाई का, आलू टिक्की चाट फर्स्ट टाइम भाई खा रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ के नहीं ना बाहर से, हमने कहा पहली बार चलो खा लेते यहाँ पे आके। चाट चाट नहीं है भाई, बर्गर है यार, तो चाट बता रहे थे भाई। आलू की टिक्की लगा दी भाई ने, प्याज डाल दिया है, क्या है सिम उसको क्या कहते हैं अब उसको नाम ही भूल गया, खीरा खीरा ही था। तो चलो खाते और खा के फिलहाल निकलते, क्योंकि मौसम देख रहा हो कैसा हो रहा है। मेरे चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यही दिखाई दे रहा था, कुछ दिखाई दे रहा था भाई, सब चाटी आट बिक रहा है चारों तरफ, समोसा कहीं दिखाई नहीं थी। हमने चलो चाटी खा के भाई का बर्गर खा ले, भैया ने सेब भी डाल दिया। चलो खाते हैं, बगल से ले लेंगे भैया उस तरफ से कोल्ड ड्रिंक, खा पी के फिर निकलते हैं, ठीक है? बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है अपना बर्गर, ये देखो भैया ने बना लिया है, ऊपर से फ्राई कर दिया, साथ में ये ले लिया हमने कोल्ड ड्रिंक भाई। चलो खाते पीते और फिर निकलते यहाँ से, खाते पीते निकलते यहाँ से। अब मौसम बड़ा तगड़ा है, बस पानी ना गिर जाए रास्ते में ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो भाई फिलहाल अभी भैया वहाँ से निकल के अपने खाजो, मेरे को खाना था वो फिलहाल खा लिया, तो मैं चलते चलते फिलहाल यहाँ पे आ गया। तो मेरे को बहुत प्यारा दिखाई दे, वो देखो सामने जो दिखाई दे रहा 84 गुंबज भाई, अंदर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये भैया कालपी के कोई राजा वाजा की मेरे को लग रही है अंदर से। और ये भाई इतना धूल काय उड़ा रहा हो भाई साहब, पूरा चेहरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया होगा यार मेरा। तो अंदर से इधर से गेट है अंदर जाने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कि ना, मैं सोच रहा हूँ यार जाऊँ कि ना जाऊँ अंदर हैं देखने, क्योंकि भाई कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, गेट छोटा सा लगा हुआ है, काफ़ी सन्नाटा सन्नाटा सा है भाई हैं। और फिर चलो भाई देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो भैया सामने पीने का पानी लगा हुआ है, यहाँ पे आके देखो कैसा पुराने राजा महाराजाओं का जो हो गया ये भैया, ये लगा गुंबज उम्बज। तो मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं और देख लेते भैया क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अंदर आ गए भाई साहब, ये देखो यार क्या गजब का लग रहा है भाई। पुराने जो राजा महाराजा होते थे ना, बड़े गजब तरीके से बनाते थे, आप लोग देख सकते हो भाई कितना मस्त लग रहा है। मकबरा अकबरा है ये, पता कौन से बादशाह का भैया, ये जो मकबरा है बादशाह लोही का मकबरा है, कालपी जालौन कालपी में स्थित। तो कौन से ईस्वी का है बादशाह लोही का ये मकबरा, 84 गुंबद, लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी का है भाई साहब। भाई ये देख सकते हो सामने, जो सामने दिखाई दे रहा है ये देखो पूरा जर्जरा आ गया, पूरा टूट टाड़ गया, एकदम ख़त्म हो गया भाई।
तो भाई इसके अंदर ज्यादा कुछ तो था नहीं भैया, पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, पूरा खंडर टाइप का था भैया, पूरा इधर टूट गया उस तरफ टूट गया, और अंदर वीडियो शूट करने की इजाजत नहीं थी इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया। ठीक है, तो खाली बार बार से जो दिखा दिया है, और उसके अंदर के इजाजत नहीं थी, तो मैंने कहा अगर इजाजत नहीं तो क्या फायदा अंदर वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने वीडियो बनाया भी। जो आप लोग देख रहे हैं जिसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये तो भाई टूट टाट गया का 15-16 शताब्दी में मरम्मत होती रहती तो चलता रहता, और ये गुंबज बना हुआ है ये देख रहे भैया, ये कटा हुआ था अपना पाइप पेट्रोल का भैया, इस 20 रुपये के जी ये जाना, इतना छोटा सा पाइप ने परेशान कर दिया भाई, 300 रुपये वहाँ से मेरे को उधर से आगे से उस तरफ इधर से आगे से काफ़ी आगे से घसीट के लाना पड़ा, साला 1-2 किलोमीटर मेरे को घसीटना पड़ा। भाई की दुकान निकल गई थी तो हमने कहा चलो यहीं ठीक करा लेते, मैं तो भाई फिर पूछो मत भाई लग गए बांधे भाई घसीट घसीट के, और शाम भी होने वाला, चलो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। तो भाई आज फिलहाल दूसरा दिन, और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये वाला वीडियो मैं कल ख़त्म नहीं कर पाया था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड बगल में दिए गए बेल आइकन उसको जरूर दबा देना, क्योंकि उससे मेरी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल पाएगी, और सबसे पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।